हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स-गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड में एरर एनालिसिस एंड वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इनहेरेंट एरर्स, राउंड ऑफ एरर्स, ट्रंकेशन एरर विद एग्जांपल एंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ द एरर विद एग्जांपल्स। सो लेट अस स्टार्ट। So we are having here, first of all we'll see it is accuracy of numbers. So we are having two types of numbers. First is exact number, and what is exact number we'll see here. The number of the type 8, 1, 1 by 2, 3 by 4, 9.75, ये कैटेगरी के नंबर्स को हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप, जैसे 9.75 अगर मैं दिख रहा हूँ तो डेसिमल के बाद एग्जैक्टली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है हमारे पास। ओके, जैसे अगर 1 बाय 2 हम देखते हैं तो 1 बाय 2 इज नथिंग बट 0.5, सो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो अगर नंबर टर्मिनेट नहीं होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, देन दैट नंबर इज सेड टू बी अ एप्रोक्सीमेट नंबर्स। ओके, तो जैसे नंबर्स हो गया 1/3, दैट इज इक्वल टू वी नो 0.3333, इट गोज सो ऑन। ओके, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। पाई इज इक्वल टू 3.141592. ओके, सो अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी आर हैविंग द इनफाइनाइट नंबर, बिकॉज इट इज अ पाई इज अ इरेशनल नंबर वी आर हैविंग। सो आफ्टर डेसिमल इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, सो देयरफॉर वी कैन नॉट हैव अ फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस। ओके, एंड हेंस दे आर अप्रोक्सीमेट टू द सम फाइनाइट डिजिट एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो मतलब हम जितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स को रखते हैं, जितने नंबर्स रखते हैं, दैट डिजिट्स आर कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे हम पाई इज इक्वल टू हमेशा 3.14 लेते हैं, सो दिस 14 विल बी कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, नाउ फर्दर वी सी द इट इज एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। सो वी आर हैविंग अ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एरर। फर्स्ट वी सी इनहेरेंट एरर। सो एरर विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू द अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग एड्स आर कॉल्ड एज द इनहेरेंट एरर्स। द इनहेरेंट एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द बेटर डेटा एंड यूजिंग हाई प्रेसिजन कंप्यूटिंग एड्स। सो अगर हमने स्टार्टिंग में ही डेटा अप्रोक्सीमेट ले लिया सपोज, ओके, तो वो जो हमने अगर अप्रोक्सीमेशन डेटा लिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट डेटा के कारण हमारा जो एरर है वो कंटिन्यू मतलब प्रॉब्लम में चलते रहेगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द इनहेरेंट एरर। नाउ लेट अस सी द राउंड ऑफ एरर। These errors are the due to the rounding of the numbers. अभी मैंने आपको बताया कि rounding of numbers क्या होता है, while process of the computations. The round of errors can be reduced by doing the computation to more significant digits than given in data at each stage of computation. So let us see the example. So suppose I am having, suppose it is 7.5846712. This we are having the actual number. Okay, that is a true value we can say. And now I am rounding this number अप टू द थ्री डेसिमल पॉइंट। सो आपको तीसरा जो डेसिमल पॉइंट है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 4 दिख रहा है और 4 के बाद क्या दिख रहा है, इट इज व्हाट, 6। सो देखिए अगर 6 है हमारे पास है, मतलब अगर 5 और 5 से ग्रेटर नंबर रहता है, देन हम प्रीवियस नंबर जो है उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर 5 से लेस नंबर है तो हम प्रीवियस नंबर को एज इट इज रखते हैं, इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ओके, तो यहां पे हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 7.585, बिकॉज वी इंक्रीज द 4/1। सो दिस इज द राउंडिंग ऑफ वी आर हैविंग। सो राउंड ऑफ एरर मतलब अगर मैं ट्रू वैल्यू का और ये राउंड ऑफ वैल्यू का अगर मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूं, सो वी विल गेट दैट इज व्हाट राउंड ऑफ एरर। इफ आई टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू, आई गेट हियर -0.0003288. So this is clear to you. Now next error देखते हैं हम। Next error we are having as truncation error. So these errors arise due to the use of approximate formula in the computation or by truncating the infinite series to some approximate terms. Okay. The study of this type of error is usually associated with the problem of convergence of infinite series. अब suppose अगर मेरे पास infinite series है but हम उसको truncate कर दे रहे हैं, ओके, तोड़ दे रहे हैं अप टू द फाइनाइट टर्म्स, ओके, एंड उसके बाद के सामने के टर्म्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो जो एरर वहां से अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज द ट्रंकेशन एरर। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, इट इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अ टेलर सीरीज। वी आर हैविंग दिस द इनफाइनाइट सीरीज एज वाई ऑफ जीरो प्लस एक्स वाई डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल वाई डबल डैश ऑफ जीरो प्लस गो ऑन। अगर nth टर्म हम लिखते हैं दैट विल बी द एक्स टू द पावर एन बाय एन फैक्टोरियल nth derivative at x equals to 0 plus goes so on, ठीक है। तो this is the infinite series, suppose मैंने इसको third order तक truncate किया, तो मैं सामने के terms अगर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे truncation error मिलेगा, because ये सामने के terms अगर मैं consider नहीं करूँगा,
to, because of that I will get some error in the our particular solution. Okay, so example lete hain, jaise ek particular example main leta hu, y is equal to, we are having as 1 plus x by 2 plus x square by 2 plus 3x cube by 8 plus so on. अब ये जो सीरीज है मैंने टेलर सीरीज के यूज कर टेलर सीरीज को यूज करके ही निकाला हुआ है, बाकी टर्म्स रहेंगे फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर के, वो हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं. ओके, नाउ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट 0.1. उसे कैलकुलेट करने के लिए आई विल पुट द x एज 0.1. तो यहाँ पे 0.1 पुट अप किया, 0.1 पुट अप किया, 0.1 क्यूब हो जाएगा, प्लस गो सो ऑन, नेक्स्ट रहेगा 0.1 टू द पावर 4. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई जस्ट ओमिट ऑल द टर्म, मतलब मैं पूरे टर्म छोड़ देता हूं इसके बाद के, और फिर बाद में इसकी वैल्यू निकालता हूं. और मैं वो टर्म्स को क्यों छोड़ रहा हूं, बिकॉज दे विल टेंड्स टू जीरो. अब वो जीरो कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, सो पहले तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं. इसका कैलकुलेशन आता है 1.055375. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी आर हैविंग. अब अप्रोक्सीमेट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सामने के टर्म्स हम छोड़ रहे हैं, बट दैट टर्म्स आर टेंडिंग टू जीरो. सो दिस इज वी आर हैविंग द नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर. अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं सपोज अप टू द फोर डेसिमल पॉइंट, तो चौथे डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे. सो थ्री का हो जाएगा फोर, बिकॉज सेवन यहां पे है. मैंने अभी आपको राउंड ऑफ समझाया कैसे करते हैं नंबर को. सो वी आर हैविंग एज 1.0554 एज अ अप्रोक्सीमेट आंसर. ओके, अब ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर. यहाँ पे दो एरर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो ट्रंकेशन एरर और दूसरा राउंड ऑफ एरर. ओके, नाउ फर्दर हम देखते हैं कि ये सामने के टर्म जीरो क्यों होते हैं. जैसे आपको पता है 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01. 0.1 क्यूब अगर मैं लेता हूं, दैट इज नथिंग बट 0.001. इफ आई टेक द 0.1 टू द पावर 4, दैट इज 0.0001, that is approximately equals to 0, we can say, because decimal के बाद अगर तीन जीरो आए हैं तो वो बहुत small quantity होती है और उसको हम approximate zero ले सकते हैं. Similarly, if I take 0.1 to the power 5, that will be equals to 0.40 after the decimal point into it is 1 we are having. Okay, and that is again approximated as 0. मतलब जितने भी अगर सामने के terms हम आ रहे हैं, so that will tend to be 0 or approximated as 0. So therefore we leave all the term and we truncate the series up to the third degree only. So I suppose this is clear to you, the truncation error. So truncation errors arise whenever we are truncating the infinite series to the finite term. Now next we see, it is the next error, that is absolute error, relative and percentage error. So for this you just have to remember the two things. Let's suppose we are having x as true value of the quantity and x dash as its approximate value. So two values liye humne, ek true value or a approximate value, that is x dash. Okay, now we define, first of all it is absolute error, that is given by EA, that is absolute error, which is equals to the mod of x minus x dash. Here we take the subtraction of it is a true value and approximated value. Okay, और उसका mod ले लेते हैं, मतलब absolute value निकाल लेते हैं, and that is known as the absolute error. जैसे पिछला example अगर हम देखते हैं, अगर मैंने subtraction लिया दो point का और अगर दोनों का mod quantity निकाल लिया, we are having mod of 0.003288. So this is nothing but mod value for this one will be 0.000388. मतलब हम positive value लेते हैं, अगर हम mod ले रहे हैं quantity का किसी को, मतलब we are they are taking the positive value. So this is the absolute error. Now we define the next error, that is a relative error. अगर आप इन दोनों में difference देखेंगे तो क्या difference है, सिर्फ मैंने x minus x dash को divide कर दिया हूं किससे, x से. So then I will get it is what, relative error. So relative error का example भी देख लेते हैं. The same example I consider, I just divide this by the true value, that is 7.5846712, and I compute this one. This is coming out to be the minus 0.00004335 0. It is nothing but approximately equals to 0. Now this is the mod quantity, so therefore we take a positive value, that is 0.00004335, likewise so on. Okay, so this way we find the relative error. Now next we define, it is percentage error. So percentage error, it is very simple, jo bhi relative error rahega usko aapko 100 se multiply kar dena hai. That gives the percentage error. Okay, अगर हम 100 से multiply करेंगे, so अगर मैं same example ले रहा हूँ, मैं इसको 100 से multiply कर रहा हूँ, तो 100 हम अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, because it is a positive quantity. So if I compute this, that will be then further minus 0.004 this quantity into 100. अगर हम करते हैं, so यहाँ पे दो zero कम हो जाएंगे decimal के बाद, तो हमें मिलेगा it is 0.0043. So this will be the in percentage we are having this error, because we have multiplied with the 100. So three things we have defined, it is absolute error, that is mod of x minus x dash, relative error,
that is x minus x dash by x absolute value, then the absolute value of x minus x dash by x into 100, that is defined as the percentage error. Now further we see here, it is some important terminologies, that is if delta x be the number such that, if I take the subtraction of true value with the approximate value, okay, and we take the mod of this quantity which is less or equal to the delta x. So what is this delta x? It is nothing but the upper limit of the magnitude of the absolute error. Dono ka subtraction hum le rahe hain, matlab we are having the error, humne usko absolute error defined kiya tha. Now we take it is what? Some upper limit for that error. So that will be, therefore this error will be less or equal to the delta x. That is known as the upper limit of magnitude of absolute error and measures the absolute accuracy. Now if I take this quantity, that is delta x upon mod x and delta x by mod of x dash, these two will be the approximately equal, because our x dash cat is approximate value and x is what? True value. Okay, this measures the relative accuracy actually. Now further one note, it is just for your information, if two numbers are added or subtracted, then magnitude of the absolute error in the result is the sum of the magnitude of the absolute errors in the two numbers. It is very simple, okay, just for the information. Now next we see the general formula for the error, and we will solve the one example over it, that is on general formula for the error. So how we define it? I consider the one function u, suppose it is a function of three variable x, y and z, be the function of three variable, okay. Now I define it as what? Delta u, okay. Isko define karne ke liye I use the concept of partial differentiation and total differential coefficient. ओके, तो उसको हम कैसे कर लिख सकते हैं फिर डेल्टा यू को? डेल्टा यू विल बी डिफाइंड एज इट इज डेल एफ बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स. सो डेल एफ बाय डेल एक्स मीन इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ द एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड टू द डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड क्या होता है करके, देन प्लस डेल एफ बाय डेल वाई मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द एफ विद रिस्पेक्ट टू द वाई मल्टीप्लाइड टू द डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इनटू इट इज डेल्टा जेड. ओके, सो इफ यू सी हियर द डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स कर रहे हैं, तो उस समय वाई और जेड को हम ट्रीट करते हैं कॉन्स्टेंट. अगर मैं वाई से पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स एंड जेड विल बी कॉन्स्टेंट, अगर मैं जेड से डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली देन एक्स एंड वाई विल बी कॉन्स्टेंट. ओके, आई सपोज ये दिस इज नोन टू यू. नाउ वी डिफाइन द जनरलाइज, दैट इज यू इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके, नाउ दैट टाइम द डेल्टा यू विल बी व्हाट? इट इज del f by del x1 delta x1, del f by del x2 delta x2, plus del f by del xn, it is delta xn. Now I define the relative error in u. So we are having u as a function of three variable or maybe the n number of variable, then the relative error will be defined as, it is delta u upon u, that is the ratio of delta u by u. Now let us see the one example over it. Example is, it is find the relative maximum error in the function u equals to 5xy square upon z cube at x equals to y equals to z equals to 1 with delta x, delta y and delta z, that will be equals to 0.001 given. Okay, आपको relative maximum error निकालना है. So relative error हम निकालेंगे, उसको कैसे maximize करते हैं हम, वो हम देखेंगे. Absolute value actually निकालनी पड़ती है हमको, so that error, relative error get maximized. Now here what we are saying, u as a function of three variable x, y and z. So that function we write down as it is here, u. Now I differentiate this u partially with respect to the x, y and z. So first of all we do the differentiation with respect to the x, that is del u by del x, which will be equals to, okay, agar main x differentiate kar raha hu to y aur z constant rahenge, to ye y square aur z cube constant ho jayega, phi bhi constant ho jayega. X ka differentiation, what is it? 1. It is simple. Okay, now I differentiate the u with respect to the y. y से differentiate किया तो x और z cube constant, phi is already constant, y square का differentiation 2y, so 2 into 5 that will be 10, so it is what? 10 xy upon z cube. Okay, now I differentiate with respect to the z, so उस समय x और y square हम constant लेंगे, मतलब 5 xy square constant हो जाएगा, differentiation होगा 1 by z cube का with respect to the z, तो वो ये आता है. तो देखिए, so 1 by z cube का differentiation हम कैसे करते हैं, मैं elaborate करता हूँ यहाँ पे. अगर मैं डेल बाय डेल जेड ऑफ 1 बाय जेड क्यूब ले रहा हूं सपोज, ठीक है, सो दैट टाइम दिस जेड क्यूब को हम ऊपर लेके जाएंगे, दैट विल बी द जेड टू द पावर -3, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सो
So that will be minus 3 z to the power minus 4. Okay. I suppose aapko pata hai formula. It is ddx of x to the power n. That is n x to the power n minus 1. वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ओके, एंड देन वी गेट, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, नीचे ले लेंगे, दैट इज माइनस 3 बाय z टू द पावर 4, सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, 15x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देन सॉरी 5x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देन दिस 3 into 5 दैट इज 15, एंड वी हैव अ माइनस साइन दैट इज माइनस 15 अपॉन z टू द पावर 4, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द u विद रिस्पेक्ट टू द z. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस ऑल डिफरेंशिएशन I just find out delta u because हमको relative error निकालना है. That is nothing but the ratio of it is what delta u upon u. So पहले हम delta u find out कर लेते हैं. So that is given by del u by del x into delta x plus del u by del y into delta y plus del u by del z into delta z because u is a function of three variable. ठीक है, इसको हमने लिखा है by using the concept of partial differentiation and total differential concept. Now after that, I just substitute the value of del u by del x, del u by del y, del u by del z in this equation. Okay, so keep as it is this quantity. अब हमको निकालना है, what is it? Del u max निकालेंगे हम. Del u max निकालने के लिए हम absolute value निकालेंगे हर एक terms का. So हर एक terms का हम absolute value निकाले तो हमने mod quantity यहाँ पे apply कर दी, plus ले लिया और ये minus अंदर ले लिया हमने यहाँ पे. Now I have to calculate the max this relative error. At point x equals to 1, y equals to 1 and z equals to 1. तो ये point हम यहाँ put up करेंगे. And as well as we substitute the value of delta x, delta y, delta z as 0.001. Okay, यहाँ पे substitute कर देते हैं और evaluate करते हैं. इसको अगर मैंने 1, 1 put up किया, that will be just 5. 5 into delta x, that is a 0.01. Okay, वैसे फिर यहाँ भी 1, 1 put up किया, it is 10 into 0.001. Then 15 into again it is 0.001. Okay, this is by mistake, 3 zeros are here. It is just a 0.001. Now computed here, then we get it is about 0.03. So that is our delta u max. Ab humko nikalna hai relative maximum error. And that will be given by ER max, that is equals to the ratio of delta u max upon u. And that is given by 0.03 upon it is 5. How it is u will be 5 here. U is given to you and हमको values कहाँ पे निकालनी है x y z as 1, so उसको हमने 1, 1 put up कर दिया, therefore this u is coming to be it is what 5, okay, so therefore which is equal to then 0.006, so this is our relative maximum error. I suppose कि आपको topic clear हो गया होगा कि error कितने types के होते हैं और किस तरह से हम problem भी solve करते हैं. So I have just taken this one example which is a very important example as far as the university examination is concerned. Okay. So I said this finally. Thank you very much for watching this video. And if you get something from it, please like the video and share the video with friend and subscribe the channel. Okay. Thank you very much. And one more thing I have just given you, it is a playlist for the numerical method. आप उसमें जाके अगर आपके हिसाब से अगर कोई वीडियोस है या अदर्स आपको जिसकी ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं. एंड कुछ वीडियोस भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं अगर आपके रिलेवेंट है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. थैंक यू.